ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 0 प्लस 7 × 5 और यहां हो जाएगा 2 × 0 प्लस 4 × 5 एंड 3 × 2 प्लस 7 × 3 एंड 2 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 − 4 − 5 = 6। सो अब हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 35, 20 एंड ये हमारा हो जाएगा 27 और 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 − 4 − 5 = 6। यहां से हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1 − 4 − 5 = 6 − 35 = 20 = 27 = 16। अब 2x को हम लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा −34 − 24 − 32 − 10। अब 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा −17 − 12 − 16 − 5 जो कि ये हमारा आंसर।